कोरोना की दूसरी लहर की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच सरकारों की तरफ से किए जा रहे अनलॉक के बीच WHO ने जानकारी दी, तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और लापरवाही करने पर यह पूरे देश में जल्द ही फैल सकती है। ये रिपोर्ट देखें। कोरोना को लेकर अगर आप अभी तक लापरवाही बरत रहे हैं तो अब सावधान रहिए, कोरोना की तीसरी वेव आ गई है। ठीक सुना आपने, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बुधवार को WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने विश्वभर में संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि तीसरी लहर अपने शुरुआती चरण में है, नए सिरे से वायरस विकसित हो रहा है। साथ ही कहा कि कोरोना का नया वेरियंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। वहीं डेल्टा संक्रमण अब 111 से अधिक देशों में है और बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैलने वाला है। कोरोना वायरस निरंतर अपने रूप बदल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप अधिक संक्रामक रूप में नजर आ रहा है। डेल्टा इज नाउ इन मोर देन 104 कंट्रीज एंड वी एक्सपेक्ट इट टू सून बी द डोमिनेंट COVID-19 स्ट्रेन सर्कुलेटिंग वर्ल्ड वाइड। द वर्ल्ड इज वॉचिंग इन रियल टाइम एज द COVID-19 वायरस कंटिन्यूज टू चेंज एंड बिकम more transmissible. My message today is that we are experiencing a worsening public health emergency that further threatens lives, livelihoods, and a sound global economic recovery. It is definitely worse in places that have very few vaccines, but the pandemic is not over. ट्रूडोस ने कहा कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में टीकाकरण की गति तेज होने के चलते संक्रमण के मामलों और मौतों में कमी आई है, लेकिन अब फिर से मौतें बढ़ रही हैं और ट्रेंड बदल रहा है। ट्रूडोस के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। पिछला हफ्ता लगातार ऐसा चौथा हफ्ता रहा जिसमें मामलों में कमी देखी गई थी, लेकिन अब मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही हफ्ते तक की गिरावट के बाद मौतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। Last week marked the fourth consecutive week of increasing cases of COVID-19 globally, with increases recorded in all but one of WHO's six regions. And after 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. Not everywhere is taking the same hit though. We're in the midst of a growing two-track pandemic where the haves and have-nots within and between countries are increasingly divergent. In places with high vaccination coverage, Delta is spreading quickly, especially infecting unprotected and vulnerable people and steadily putting pressure back on health systems. कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 18 करोड़ 82 लाख हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से 40,05,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। कुल 349 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन तीसरी वेव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम सबको सावधान होना चाहिए और गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा, तभी जाकर हम इस कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।